सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। काफ़ी ज़्यादा बंदों की गेम लैग करती है। मैं डायरेक्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैं मेन टॉपिक पे आना चाहता हूँ इस वीडियो के, जो कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है। ठीक है, चाहे आपके पास गेमिंग लैपटॉप हो, चाहे आपके पास नॉर्मल लैपटॉप हो, चाहे आपके पास गेमिंग मतलब कि यार कंप्यूटर हो, ठीक है, पीसी हो, चाहे आपके पास नॉर्मल पीसी हो, अगर आपकी गेम लैग करती है तो इसी वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। आपकी गेमिंग जो पीसी है चाहे लैपटॉप है वो आपको अच्छी खासी फ्री फायर में परफॉर्मेंस देता है, ठीक है, बट वो परफॉर्मेंस कैसे देता है, कोई सेटिंग आप सभी को करनी होती है तभी आप सभी को परफॉर्मेंस मिल सकती है। अगर आप उस सेटिंग को नहीं करते तो आपका भाई नॉर्मली आपकी गेम लैग करेगी। वो सेटिंग कौन सी है वो आपका भाई आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला है, ठीक है। कोई सेटिंग एंड पीसी की सेटिंग है, कुछ ब्लू सेटिंग आप सभी को बताऊंगा जिससे आपकी गेम लैग नहीं करने वाली है। सो वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। सो जल्दी से बना टाइम इसके फिर वीडियो करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया सो गाइस लाइक के बटन को प्रेस कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लेना ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन डेली रेगुलर मिलती रहे। पीसी लेटर टिप्स एंड ट्रिक्स गाइस रेगुलर अभी इस चैनल पे आने वाली है, ठीक है। सो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लेना। तो हाँ, अगर जो आप असली बैकग्राउंड में मेरी गेम प्ले देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी भी गेम प्ले होने वाली है इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के बाद, ठीक है। बट हाँ, अगर इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, स्किप करके देखोगे तो भाई बाद में सेटिंग भी नहीं होने वाली है, आपकी गेम वैसी की वैसी चलेगी। सो मैं आप सभी को पहली रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को अंत तक जरूर से वॉच कर लेना। सो जल्दी से बिना टाइम इसके फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो हाँ, अगर सबसे पहले आप सभी को हमारे जो मेन फ्री फायर की सेटिंग करनी होगी, ठीक है, मेन सेटिंग मतलब कि यार देखो आपकी गेम लैग करती है, आपका गेमिंग पीसी कैसा है वो आप सभी को गेम के ऊपर ही डिपेंड करना होगा। एंड जो मतलब कि पीसी की सेटिंग है, विंडो सेटिंग है, वो भी आप सभी को इस वीडियो के एंडिंग में पता चल जाएगी। बट उसके साथ साथ अगर आप सभी को जो ब्लू स्टैक की सेटिंग है वो भी बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में। सो सबसे पहले बात करेंगे हम सभी गेमिंग की सेटिंग है, ठीक है। अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो आप सभी इसको स्मूथ पे खेलो, ठीक है। मेन बात, अगर आपका लो एंड पीसी है मतलब यार 10-20-30 हज़ार का चाहे लैपटॉप है, ठीक है, 10-20 हज़ार का, सो आप सभी इसको स्मूथ पे खेलो एंड हाई करके खेलो। एंड हाँ, अगर आपके पास मिड रेंज का है एंड मिड रेंज थोड़ा सा मतलब कम का है तो स्टैंडर्ड, एंड अगर थोड़ा सा मतलब कि 50-60 हज़ार का है तो आप सभी अल्ट्रैक कर सकते हो। एंड इसको हाँ, सबसे मेन बात है स्मूथ पे खेल लो तो हाई करो, स्टैंडर्ड पे खेल लो तो हाई करो, अल्ट्रा पे खेल लो तो दो बार हाई करो, मैक्स पे खेल लो तो हाई रखो, ठीक है। इसको अगर नॉर्मल करते हो ना तो गेम लैग बहुत ज़्यादा करेगा, मैं आप पहले ही बता देता हूँ। चाहे आप सभी अल्ट्रा पे खेलो, चाहे स्मूथ पे, चाहे मैक्स पे, मैक्स पे करने के बाद भी हम सभी अगर नॉर्मल करेंगे ना, ये देखो दिख रहा है गेम क्या ही लैग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी आप सभी को पता चल जाएगा, ओके किया, अभी देखो ये देखो कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो ये आप सभी को सबसे मेन टॉपिक है। एंड देखो अभी तो मैंने सेटिंग करवा दी, अगर आपके पास हाई एंड पीसी है तो आप सभी इसको जो मैक्स अल्ट्रा कर सकते हो, जैसे कि मैं अल्ट्रा पे खेलता हूँ, ठीक है, मैक्स भी कर लेता हूँ बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अल्ट्रा पे मेरी गेम मस्त चल जाती है। सो अगर आपके पास मिड रेंज का लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप, तो इसको स्टैंडर्ड भी खेल सकते हो। सो देखना गाइस, अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। तो हाँ, अगर सेकंड बात करेंगे ब्लू स्टैक की सेटिंग की, एंड आप सभी को चले जाना है सेटिंग के अंदर एंड परफॉर्मेंस पे आ जाना है, एंड इसको हाथ 4 कोर पे रखना है, ठीक है। अगर आपके पास 6 कोर है तो आप सभी इसको 3 पे मत रखना, 4 पर ही रख लेना, क्योंकि यार 6 कोर वाले भी 4 पर रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आपके पास इसके अंदर कोर कितने हैं जिसको आप सभी हाफ रखना होता है, मतलब कि 6 कोर, 3 या फिर 4 कोर, ठीक है। अगर आपके पास 4 कोर है तो इसको 2 पे रखना, मतलब कि हाफ रखना है। एंड कोर कैसे चेकआउट करना है, नीचे यहाँ पे क्लिक करना है, टास्क मैनेजर पे जाना है, एंड यहाँ पे आप सभी को परफॉर्मेंस पे जाना है, सीपीयू पे जाना है, एंड नीचे आप सभी को कोर देखने को मिल जाएगा, 6 कोर एंड 6 थ्रेड है, ठीक है। तो आप सभी कोर चेकआउट कर सकते हो इस तरह से, एंड इसको हाफ रख सकते हो, ठीक है। एंड मेमोरी एलोकेशन जो भी आपके पास 16 GB की रैम है तो 4 रखो, 8 GB की रैम है तो 4 रखो, अगर 4 GB की रैम है तो इसको 2 रखो, ठीक है, एंड ये हाफ रखो। एंड अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो इसको जो है बैलेंस रखो, हाई एंड पीसी या फिर मिड रेंज है तो इसको हाई रखो, ठीक है। एंड अगर आपके पास हाई एंड पीसी है तो इसको 240 कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कि 1 लाख प्लस आपका पीसी ना, 1 लाख प्लस का, तो इसको 240 रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लैग नहीं होने वाला आपका, ठीक है। मेरे को पता है 1 लाख प्लस वालों की भी गेम लैग करती है, एंड वो भी कोई ना कोई तो देख रहा होगा, तो कर लेना ये वाली सेटिंग। एंड हाँ, अगर हाई जो आपका चलो मेरे जैसे मतलब कि मिड रेंज का पीसी है, ठीक है, तो मैं तो इसको 90 पे करके खेलता हूँ, बट हाँ 240 भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ मैं 90 पे रख के खेलता हूँ, क्योंकि 90 के ऊपर भाई इसके ऊपर हैप्पीएस नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आते तो वो एक सेटिंग है यहाँ पे एडवांस पे जाकर होती है, ठीक है, या यहाँ पे क्लिक करना है विजुअल टैब, बट वो विजुअल टैब भी आते हैं उसमें, तो वो भी है, ठीक है। तो देख लेना गाइस, अगर आपका लो एंड पीसी है एंड लो एंड गेमिंग पीसी है तो आप इसको 60 पे रखो, बट मैं तो इसको 90 पे रखूँ क्योंकि मिड रेंज का है, तो उसके हिसाब से रख लेना। सो मेनली बात करेंगे डिस्प्ले की, अगर आपका मतलब कि जो आपका स्क्रीन है, मॉनिटर है, उसके हिसाब से अगर आपका 1080p है तो इसको 1080p रखो, 16 मतलब कि अगर आपका देखो रेकमेंड दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, मेरा 1920 1080p दिखा दे तो मैं यहाँ पे 1080p रखूँगा। ग्राफिक की बात करूँ तो गाइस इसको परफॉर्मेंस ही रखना, इसको ये मत रखना
एंड यहाँ पे ओपन जीएल रख लेना। एंड यहाँ पे गाइस मेन बात, ऑटो भी रख सकते हो, सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी मत रखना, ठीक है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी मत रखना। या फिर अगर आपका ग्राफिक कार्ड काफ़ी ज़्यादा ओपी लगा रखा है 1050 1080, तो इसको ओपन जीएल रख लो, एंड नहीं तो डायरेक्ट एक्स। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है, ठीक है, तो आपसे इसको, जैसे मेरे 6 और 6 थ्रेड है, तो इसको मैं डायरेक्ट एक्स पे रखूंगा, क्योंकि मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो T600 है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, तो मैं इसको ओपन जीएल नहीं रखता हूँ। अगर ओपन जीएल रखता हूँ तो इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो भाई वो ब्लैक हो जाती है, बहुत सारे बंदों की प्रॉब्लम है। तो आपसे अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम है तो इसको डायरेक्ट एक्स ही रख लेना, ठीक है। एंड कि अगर आप सभी को डिसेबल भी कर दोगे ना, कोई दिक्कत वाली कुछ भी आप सभी को इन्फॉर्म, मतलब कि देखो यार, सबसे मेन बात आपको फील आता होगा अगर आप इसको चेंज करते हो बार बार, बट हाँ, इसको डिसेबल रखो, सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग रखो, हार्डवेयर रिकॉर्डिंग रखो, इसके कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये बीटा है, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको डिसेबल रखो, बट हाँ, अगर मेन बात सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग रख दो, क्योंकि मेरा प्रोसेसर अच्छा है भाई, हाँ चलो बीटा है नॉर्मल, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग रख दो, चाहे अगर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो हार्डवेयर रिकॉर्डिंग रख दो। बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, ठीक है। मेन बात करते हैं, GPU इन यूज टिक कर देना, अगर आपका कोई भी ग्राफिक कार्ड अगर आपके पास मतलब कि अलग से लगा रखे तो इसको टिक कर देना। तो मेन गाइस यहाँ पे लास्ट पे डिवाइस पे आकर ROG 2 सेलेक्ट कर देना, बस यही थी कुछ सेटिंग, एंड यहाँ पे कुछ भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसा है वैसे रख लेना। सो मेन बात करेंगे गाइस, अभी विंडो की सेटिंग की, गेम की सेटिंग मैंने एंड ब्लू स्टैक की सेटिंग बता दिया, एंड बहुत सारे बंदों की यार यही सेटिंग होती है, एक ब्लू स्टैक की होती है, गेम की सेटिंग होती है। सो मैं एक वीडियो में 3 मतलब कि आप सभी को स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। सो अभी गाइस 6:00 मतलब कि 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मतलब कि 40 से कम ही हो चुकी है। सो मेन अभी बात करेंगे हम सिंपली मेन विंडो सेटिंग की, जिसको करने के बाद आपकी गेम काफी ज्यादा जो है बैंकर गेम चलने वाली है। सो लास्ट बात, ब्लूस्टैक 5 पे सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज पे चले जाना है। विंडो की सेटिंग बता रहा हूँ भाई, काफी ज्यादा ओपी सेटिंग है, ठीक है। पहले चेकआउट कर लो भी रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं चल रही, कहीं मैं ऐसे ही बोलते जाऊँ, ठीक है, हाँ गाइस चल रही है। सो आप सभी को यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी लिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से आता भी नहीं होगा। चेंज सेटिंग फॉर ऑल यूजर पे क्लिक करना है, करने के बाद रन दिस प्रोग्राम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो भी है भाई मेरे को नाम लिया तो समझ लेना, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये जो है मोड, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करना ऐसा होगा, टिक करना है एंड विंडो 8 सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद चेंज हाई DPI सेटिंग करना है, फिर आपको सिंपली इसे यहाँ पे टिक करना है, टिक करने के बाद एप्लीकेशन पे सेलेक्ट करके ओके करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है एंड ओके करना है। बहुत सारे बंदे सिस्टम रखे हैं, सिस्टम एक और होता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन वो रखे जहाँ फिर एप्लीकेशन रखे, बहुत सारे बंदों का डाउट होता है। सो हाँ गाइस, एक बात और, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, बंदे बोलते हैं ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टिक कर देते हैं। अगर आप सिंपली इसको अनटिक कर दोगे ना, यहाँ पे इसको अनटिक कर दोगे, तो फिर वो वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, यहाँ वाला, तो यहाँ पे आप सिंपली टिक कर सकते हो, बट ये ऑप्शन मत करना, ये नीचे वाला चेंज सेटिंग फॉर ऑल यूजर वाला कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा भयंकर चीज़ है, सो ये वाली सेटिंग कर लेना, आपकी गेम काफ़ी ज़्यादा ओपी एंड सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो एक और स्टेप है, यहाँ पे ग्राफिक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, आप सभी को ग्राफिक्स लिखना है, यहाँ पे टिक करना है, एंड यहाँ पे ना आप सभी को ब्लू स्टैक अगर आपका नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है, आपको डिस्कटॉप पे चले जाना, अगर आपका फ्री फायर मैक्स यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है, तो इसको ऐड कर लेना। अगर आपका कुछ इस तरह से, इसको ऐड करने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करना है, हाई परफॉर्मेंस सेव कर देना है, फिर से ब्राउज पे जाना है, अगर आपका नहीं हो रहा है तो इसको जो है लोकल डिस्क PC पे जाना है, लोकल डेस्क C में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, ब्लूस्टैक NXT पे जाना है, फिर आप सभी को यहाँ पे ब्लूस्टैक HD प्लेयर को क्लिक करके ऐड कर लेना है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ गया ऑलरेडी ऐड, क्योंकि मैंने जो फ्री फायर मैच सेलेक्ट किया था ना डिस्कटॉप पे, वो आ चुका है, तो इसको हाई परफॉर्मेंस कर लेना डायरेक्ट। एक और स्टेप है, एंड यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से एक और सेटिंग बता रहा हूँ, गेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, गेम मोड, ठीक है, रुको गलत लिखा गया, गेम मोड एंटर करना है, गेम मोड को करना है ऑन, ठीक है। एंड ये जो आपका एक्सबॉक्स गेम बार है ना, इसको आप सभी को ऑफ ही रखना है, ठीक है, अगर आप इसको ऑन करते हो तो बाद में बैकग्राउंड में यूज होगा। एंड सबसे मेन बात, दो आप सभी को एक और सेटिंग बताऊंगा जो कि काफी ओपी है, यहाँ पे जाना है, एंड यहाँ पे जाने के बाद आप सभी को बैकग्राउंड एप्स लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसको ऑफ कर देना है, ठीक है, बिल्कुल सभी को ऑफ कर देना, जैसे कि मैंने कर रखी है, ऑफ रखना बस यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में बैकग्राउंड में रन होती है तो आपका गेम परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाता। एंड एक और सेटिंग है, यहाँ पे आप सभी को स्टार्ट करना है स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप एप्स, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया, एंड देख सकते हो मैंने ये भी कर रखा है, इसको भी ऑफ कर रखा है, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट जो भी आपका क्रोम ब्राउजर होता है ना, उसको ऑफ करके रखना है, जैसे कि यही है जो रियलटेक HD ऑडियो वाला है, ठीक है, एक विंडो का एक विंडो नोटिफिकेशन है, बस इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको जो ऑन रखा है एंड इनको ऑफ कर देना है, जो भी आपका बेफालतू की एप्लीकेशन है, ठीक है।
है। सो ये सेटिंग कर लेना। एंड हाँ, अगर बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं भी हमारा जो एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है, एनवीडिया का काफ़ी ज़्यादा बंदों के पास ग्राफिक कार्ड होता है एंड गेम लैग करती है, एनवीडिया कंट्रोल पैनल पे जाना है, ठीक है, एंड जाना है एंड आपका ओपन कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड ओपन होने के बाद इसकी जो सेटिंग है, पूरी की पूरी सेटिंग मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आप सभी वो वाली वीडियो जानना चाहते हो, सो गाइस इस वीडियो पे, ठीक है, 200 लाइक कंप्लीट कर देना। अगर आप इस वीडियो पे 200 लाइक कंप्लीट कर देना, जिसके पास भी एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है वो एनवीडिया के कंट्रोल पैनल की सेटिंग करवाना चाहता है पूरी की पूरी, वो मैं डेडिकेट वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर रहेगा इस आपकी गेम पूरी की पूरी, ठीक है। अगर मतलब कि यार जब भी 200 लाइक हो जाएंगे उसी टाइम वीडियो आ जाएगी, ठीक है, एक दिन में हो या चाहे 2 घंटे के अंदर 200 लाइक हो जाए तो मैं उसी टाइम वीडियो अपलोड कर दूंगा इसकी, ठीक है। एंड इसकी पूरी की पूरी सेटिंग मैं आपसे लिए बताऊंगा पूरी की, आपकी गेम जबरदस्त चलने वाली, ठीक है। सो यही थी गाइस आज की वीडियो, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। एंड जितनी भी आप सभी को सेटिंग बताई, अगर आप सभी इस सेटिंग को कर लेते हो ना, आपकी गेम इतनी ज़्यादा अच्छी चलने वाली है, इतनी ज़्यादा अच्छी चलेगी भाई पूछूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में बताना गाइस वीडियो कैसी लगी आप सभी के लिए, मतलब इन्फॉर्मेशन लगी या फिर नहीं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे सेट करना, 200 लाइक कंप्लीट कर देना। एंड हां, गेट नोटिफिकेशन डेली रेगुलर पीसी रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर सेटिंग्स लेने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे सेट कर लेना। सुपर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।